व्हाट्स अप गाइस, एमडी जेम, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी गेमर। सो वी आर प्लेइंग माइनक्राफ्ट राइट नाउ, सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम गए थे नेदर और हमने ढूंढ लिया था एक नेदर फोर्ट्रेस, जहां से हम लिया था काफ़ी सारी ब्लेजेस एंड उससे मैंने बना लिया था अपना एक ब्रिंग स्टेशन शायद से। एंड वो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि हमें उनसे बनाने थे काफ़ी सारे पोशंस, लाइक पोशन ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, पोशन ऑफ स्विफ्टनेस वगैरह हो गया। क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ किसी एक मॉन्यूमेंट या फिर कोई वुडलैंड मेंशन को लूटने के लिए, और वहाँ पे जाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पोशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने हमारे ब्रिंग स्टैंड वाले जो भी मतलब टूल्स वगैरह थे, उनके जितनी भी चीज़ें चाहिए थी उसके लिए हमने ये वाला रूम डिसाइड किया था। एंड इस रूम को मैंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट कर दिया अभी के लिए। चेक दिस आउट, लिटरल इस रूम को मैंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसमें, लेकिन हाँ हो गया। एंड यहाँ पे हमारी सारी बॉटल है जो भी हम मतलब वाटर बॉटल्स है जो भी, और पानी हम यहाँ से भर सकते हैं इजीली। पीछे की साइड भी थोड़ी बहुत बॉटल्स है एंड थोड़ा बहुत सामान है। ये क्या है, पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी। ओके, हाँ मैंने इसको चेक करने के लिए रखा था यहाँ पे, लेकिन वो चीज़ सक्सेस नहीं हुई। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा ब्लेज रोड्स है, थोड़ा बहुत ये सब सामान है। एंड इसमें वो सारा सामान है जिससे हम पोशंस बना सकते हैं लिटरल। इसमें अभी दो तीन चीज़ों की कमी है, लाइक अभी इसमें ड्रैगन्स ब्रेथ नहीं है जिससे लिंगरिंग पोशन बनता है, टर्टल हेलमेट नहीं है इसमें, और एक दो चीज़ शायद और हो सकती है जो मुझे नहीं पता। बाकी सारी मुझे जो जो मिली, जो जो अवेलेबल थी, मैंने वो सारी ले आया यहाँ पे। तो अभी मुझे कुछ पोशंस बनाने पहले तो, और हमारा जो एक्चुअली में वो वाला अपना विलेजर हॉल है जो हमारा उस साइड वाला विलेज वाला विलेज हो रहा है, वहाँ पे मैंने एक अपना कार्टोग्राफर तैयार कर लिया है जो हमें वुडलैंड मेंशन का भी मैप दे रहा है एंड ओशन मॉन्यूमेंट का भी दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी वुडलैंड मेंशन ही चलते हैं क्योंकि यार वहाँ पे लूटना थोड़ा सा ईजी रहेगा, ओशन मॉन्यूमेंट में वो माइनिंग फटीग लग जाता है तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अभी वुडलैंड मेंशन के लिए मुझे चाहिए होंगे दो तीन चीज़ें, लाइक स्ट्रेंथ का पोशन लगेगा मुझे, स्विफ्टनेस के दो पोशन तो शायद से मेरे पास पड़े हुए हैं, तो आई थिंक से दो से ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं मुझे। उसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं, जंप का पोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें रैबिट्स टू भी नहीं है शायद, हाँ तो उसमें जंप का पोशन भी नहीं बना सकता अभी मैं। उसके अलावा नाइट विजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम एक काम करते हैं नाइट विजन बना लेते हैं। नाइट विजन शायद से बनता है अपना फर्मेंटेड स्पाइडर आइस से, आई थिंक सो, तो इसको निकाल लेते हैं। एंड अपना सब तो मैं अभी थोड़ा बहुत पहले पोशंस बना लेता हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलता हूँ दो मिनट। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरे पास जितना अभी सामान था वो मैं ले चुका हूँ, मतलब मैं अभी ऑलमोस्ट तीन नाइट विजन के पोशन ले लिए, तीन स्ट्रेंथ के ले लिए और दो स्विफ्टनेस मेरे पास पड़े हुए थे। एंड अभी हो रही रात, एक बार पहले सो ही जाते तो ज़्यादा अच्छा है, एक बार यहाँ से सो लेते। अभी यहाँ से सीधे चलेंगे अपने विलेजर हॉल की तरफ जो हमारा पुराना वाला विलेजर हॉल है, क्योंकि यहाँ नए वाले में मैंने एक भी कार्टोग्राफर नहीं रखा एंड पुराने वाले में काफ़ी ज़्यादा विलेजर्स थे तो उनको मैंने थोड़ा बहुत ब्रीड कराया और वहाँ से मैं कार्टोग्राफर बना लिया एंड उसको मैंने फुल मैक्स भी कर दिया लिटरल। वहाँ में अभी वुडलैंड मेंशन का मैप और ओशन एक्सप्लोरर का मैप दोनों दे रहा है। तो अभी तो अपन वुडलैंड जा रहे हैं, तो अभी आई थिंक से मुझे और कुछ सामान की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना खाना इनफ होगा आई थिंक। एंड मुझे अभी तक नहीं पता कि वुडलैंड मेंशन में एक्चुअली क्या मिलता है, इतना मुझे पता है कि एक दो चेस्ट होती है जिसमें थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिल सकता है और कुछ डायमंड के ब्लॉक भी मिलते हैं जितना मुझे पता है, लेकिन वो मैं आज तक ढूंढ नहीं पाया, तो देखते हैं इस बार मैं ढूंढ पाता हूँ या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अंदर, और भाई साहब मैं गड़बड़ कर चुका हूँ क्योंकि मुझे ना इसके मैप लेने के लिए एमरल्ड्स एंड आई थिंक सो वो अपना क्लॉक चाहिए, नहीं क्लॉक नहीं चाहिए, आई थिंक सो मुझे इसके लिए चाहिए होगा कंपास, तो वो चीज़ें मैं लेके आ जाता हूँ एक बार ही, नहीं तो मुझे वापस से जाना पड़ेगा। वैसे मुझे देख लेना चाहिए था कितना एमरल्ड्स चाहिए, कंपास तो मुझे एक ही चाहिए वो मुझे पता है, बाकी एमरल्ड का मुझे नहीं पता, तो 10-12 में आई थिंक सो आ ही जाएगा, तो फिर भी ले चलते हैं जितने भी हो सकेंगे यहाँ से। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो कंपास, एक्चुअली दो की ज़रूरत नहीं, एक ही लेते एक रख देते, दो कंपास और 12 एमरल्ड ले लिए। आई होप कि मुझे वापस ना आना पड़े 12 से ज़्यादा एमरल्ड ना ले, क्योंकि मैं बाकी जितने भी एमरल्ड बचेंगे वो वहीं पे फेंक दूंगा, इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मेरा स्लॉट खाली हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं फिर से एक बार पहुंच चुका अपने विलेजर हॉल में एंड यहाँ पे सिर्फ एक कार्टोग्राफर होगा जिसकी टेबल ये रही, तो उसको सिर्फ मुझे ढूंढना है। ऑलराइट, तो यही वो कार्टोग्राफर जिससे हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया था एंड ये हमें
ओशन एक्सप्लोरर मैप और वुडलैंड मेंशन दोनों का मैप दे रहा है। ओके 10 एमराल्ड में दे रहा है भाई, थैंक गॉड। अभी यहाँ से हम ये ले लेते हैं एंड बचे हुए एमराल्ड्स का आई थिंक सो थोड़ा सा खाना मिल जाएगा मुझे भाई, थोड़ा सा खाना दे दे यार। एंड तू गोल्डन कह रहा था 3 में देगा तो ये दे दे, पम्पकिन पाई भी अच्छी होती है वैसे, फूड बार बढ़ देती है बट सेचुरेशन नहीं बढ़ाती। तो अभी फटाफट से अपने मैप को ऑफ एंड में ले लेते हैं एंड भाई लिटरल काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, तो आई थिंक से मुझे जाना है नीचे, मतलब नॉर्थ नहीं, नीचे वाला नॉर्थ होता है शायद, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके साउथ होता है नीचे वाला, तो साउथ की साइड एंड वेस्ट की साइड मुझे जाना है। वहाँ पे हमें कुछ मिलेगा, ये बीच में क्या है ये मुझे नहीं पता। तो साउथ एंड वेस्ट दिखने में भाई ये बहुत ज़्यादा दूर लग रहा है, तो ओके ये वेस्ट है एंड ये वाला नॉर्थ है, तो ये वेस्ट एंड साउथ, ओके हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो अभी देखते हैं कितना दूर जाना पड़ता है तब ये मैप ओपन होता है। अकॉर्डिंग टू मेरे पास सारा सामान है, मैं उनसे इजीली लड़ सकता हूँ, बट फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। आई थिंक सो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये वाली डायरेक्शन में मैंने लिटरली काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे पास में मुझे मिलने वाला ये वुडलैंड मेंशन। तो देखते हैं अभी कितनी देर बाद मिलता है, जैसे मिलता है या मैप खुलता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, फाइनली फाइनली लिटरल बहुत टाइम लगा इसको मुझे यहाँ तक आने के लिए, और अभी ये मैप रेंडर होना स्टार्ट हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं ओके -4000 एंड +2500 ब्लॉक्स, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट से +600 एंड -200, तो मैं लिटरली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार ब्लॉक ट्रैवल करके यहाँ तक आया भाई। वो तो मेरा एक स्पीड का पोशन भी मैंने पी लिया था एंड दूसरा ही बचा ही है तो पी लेते हैं ना, अभी इसको बचा के क्या करूँगा। वैसे मुझे रिटर्न में काम आ सकता था ये, लेकिन स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। अभी फटाफट से हम यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, तो यहीं पे कहीं पे होगा हमारा वुडलैंड मेंशन भी, एंड थोड़ा सा आगे यहाँ से चलते हैं एंड ढूंढते अपना वुडलैंड मेंशन। जंगल बार में मुझे पहली बार मिलने वाला है वुडलैंड मेंशन, जनरली मुझे नॉर्मल ओक वाली, वाह भाई इसको भी लेके चलते हैं ना, मेरे पास सीड नहीं है भाई, यार एक दो सीड दे दो सीड, अगर ये टेम हो जाएगी तो इसको भी ले चलेंगे साथ में। भाई क्या हुआ, टेम हुई या नहीं हुई? हेलो हेलो, रुको इसको थोड़े से मैं सीड निकाल लेता हूँ एंड इसको भी टेम करके ले ही चलेंगे। भाई मुझे मेरे डॉग्स की याद होगी इनको देख के। ओके ये मेरा ही है आई थिंक सो, देख लेते हैं ये टेम हुआ या नहीं, इसको पहले कुछ खिलाते हैं। हाँ ये टेम हो चुका है, ये मेरे कंधे पे बैठ गया आई थिंक। ये भाई लिटरली एक सीड में टेम हो गया। ऑलराइट एंड चलते हैं अभी सीधा वापस से अपनी साइड पे, एंड मुझे इसी साइड जाना है ना, हाँ इसी साइड जाना है। अभी फटाफट से थोड़ा बहुत फूड खा लेते हैं, फूड मेरे पास डेड हो गया एंड अभी मेरे पास सिर्फ गोल्डन कैरेट बची है जो कि आई थिंक सो इनफ रहेगी। तो फटाफट से पहले ढूंढता हूँ वो मेंशन एंड देन फिर आपसे मिलता हूँ 2 मिनट में। सो ऑलराइट गाइस, मुझे अपना फाइनली मेंशन दिख चुका है, अपना वुडलैंड मेंशन मुझे दिख चुका है भाई, लेकिन मैं सब कुछ लाया, मैं फ्लिंट एंड स्टील नहीं लाया भाई। खैर वो तो मैं यही कहीं से निकाल लूँगा, ग्रेवल तो मिल ही जाएगा, आयरन की दिक्कत है, आयरन तो देख ही लेंगे कहीं पे केव में घुस के निकाल लेंगे। और फाइनली भाई हम पहुँच चुके हमारे वुडलैंड मेंशन पे, मैं इसके एंट्रेंस से ही एंट्री लूँगा एंड एक मिनट, सबसे पहले मैं यहाँ से उतर जाता हूँ एंड इसको ले लेता हूँ वापस क्योंकि आएगा काम में। अब इस मैप का कुछ काम नहीं था, इस मैप को रख देते हैं अंदर। अब इसकी एंट्रेंस ढूंढनी पड़ेगी मुझे सबसे पहले तो, क्योंकि यार मैं एंट्रेंस वाली जगह से ही एंट्री लेना चाह रहा हूँ। और राइट तो मुझे इसके एंट्रेंस लिटरल मिल चुकी है, अंदर से काफ़ी सारी आवाज़ें भी आना लग गई है, तो मैं काम करता हूँ अपना एक स्ट्रेंथ का पोजिशन एक्चुअली 1.5 मिनट का है, तो आई थिंक सो मैं इसको हैंडी रख लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसको पी लूँगा। एंड जो हमारा नाइट विजन का पोशन है इसको पी लेते हैं, ये 8 मिनट का है, और मैं एक बार देखना चाहूँगा कि हमारा पैरट हमारे साथ है या नहीं। आई थिंक सो कहीं पे पीछे रह गया या फिर वो छूट गया मुझसे, खैर ठीक है उसकी दिक्कत नहीं, मैं उसको दूसरे को ले लूँगा यहाँ से, कोई इशू नहीं है। तो नाइट विजन का पोशन पीते हैं एंड फटाफट से चलते हैं अंदर। भाई वहाँ पर मुझे कोई दिखा, ओके भाई नाइट विजन का पोशन का यही फ़ायदा है भाई, चारों तरफ बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखने लग जाता है
तो फटाफट से रूम्स चेक करते हैं एंड अपना भैया हंगर बार हमें फुल रखना पड़ेगा हमेशा एंड देखते हैं क्या मिलता है हमें इस वुडलैंड मेंशन में। भाई पीछे से आवाज आई मुझे, ओके हेलो ब्रो भाई ये बहुत डैमेज देते हैं, ये बहुत डैमेज देते हैं, ओके भाई यहाँ पे काफी ज्यादा मॉब्स है यार। अरे 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 कौन मारा है भाई, भाई लिटरल चारों तरफ से जो आवाज़ें आ रही ना मैं आपको बता नहीं सकता। अरे यार कारपेट से इकट्ठी होगी अभी मेरी इन्वेंट्री में, आई थिंक सर आवाज़ें ऊपर से आ रही है तो मैं ये वाला फ्लोर इजीली चेक कर सकता हूँ। फटाफट चेक करना पड़ेगा, ये वाला रूम मेरा दिखा हुआ है, ये सारी चस्टें खाली पड़ी होती है तो मैं अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। भाई लिटरल ढाई हार्ट पे बचाऊ, खाना खा। आई थिंक से मुझे स्ट्रेंथ के पोशन की जरूरत पड़ सकती है अभी आई थिंक, लेकिन मैं इस फ्लोर पे इस वाले पोशन को वेस्ट नहीं करना चाहता। टॉप फ्लोर पे भी काफी ज्यादा बंदे मिलेंगे, अब मैं दूर से ही फाइट ले तो सकता हूँ ना, वैसे तो मुझे कोई इश्यू नहीं भाई, दो वो में तो खत्म हो जाता है। ऑलराइट भाई ऊपर से काफी सारी आवाज आ रही, एक बार ये वाले सारे रूम्स चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये जेल है लेकिन बाय चांस इसमें कोई सी में एक चेस्ट भी होगी तो मजा आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो जेल में कुछ होता है एंड आई थिंक सो मैंने नीचे वाला फ्लोर पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। वाओ फ्लोर एक्सप्लोर नाइस राइट, तो मैंने नीचे वाला फ्लोर पूरा एक्सप्लोर तो कर लिया है लेकिन आई थिंक सो मैं इस साइड पे नहीं आया अभी तक। ओके यहाँ पे कुछ खास है नहीं है वैसे तो, और यहाँ पे तो बहुत खास है, इसको हेडशॉट मारेंगे अपन, पर इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे पम्पकिंस है, ऊपर जाके अगर कुछ चेस्ट मिल जाती तो अच्छा रहता है भाई, वाटरमेलन का क्या करूँ। ऑलराइट तो आई थिंक सो नीचे वाला काम पूरा हो चुका है, अभी चलते हैं सीधे फर्स्ट फ्लोर पे। एंड भाई यहाँ से काफ़ी आवाज़ आ रही है लिटरल काफ़ी ज़्यादा, तो बिल्कुल संभल संभल के मुझे देखना पड़ेगा। भाई रुक जा, भाई रुक जा, देखा नहीं इसने, इसने नहीं देखा अभी तक। और ये डेड भाई, ये काम अच्छा है भाई, और इसका नाम मुझे नहीं आ रहा यार, लेकिन भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसकी वैक्सेस बहुत खतरनाक है। हट यहाँ से। तू कहाँ से आ गया भाई, तेरे पिताजी को मैंने मारा अभी, और मुझे टोटम मिल चुका है, यस। लेकिन वैसे मुझे टोटम्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे वहाँ रेड वैसे भी होती रहती है तो मेरे पास काफ़ी सारे टोटम पड़े हुए हैं, लेकिन भाई इस टोटम को हैंडी रख लेता हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ तो मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मुझे पहली चेस्ट मिली है इस पूरे वुडलैंड मेंशन की, एंड देखते इसमें क्या है। ओके इसमें कुछ खास आइटम तो नहीं है लेकिन आयरन मुझे मिल गया, नाइस, आयरन की मुझे ज़रूरत थी। सीडी का मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता, एंड बाकी मटेरियल भी आई थिंक सो कुछ काम का नहीं है, गोल्डन एप्पल थे काम के, बाकी तो ठीक ही है, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं है, बाकी हाँ ज़्यादा ख़राब चीज़ें भी नहीं मिली। तो अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर, भाई तू कहाँ से आ गया यहाँ पे, तू कहाँ से यहाँ आ गया। ओके थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी हमें क्या मिल सकता है। और ओके यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पे एक और, या भाई इसको क्या बोलते हैं, वेल टोटम मिल गया, अभी यहाँ से भाग भी सकते हैं अगर चाहे तो, और चाहे तो इनको मार भी सकता हूँ, मार देता हूँ, नहीं तो ये मेरे पीछे पड़े रहेंगे। आ जा बेटा आ जा। अरे भाई इनका डैमेज कितना है भाई, लिटरल कुछ ज़्यादा डैमेज देती है यार इनकी ये वैक्सेस। आ जा बेटा तू भी आ जा, तू ही बची है। अरे तू नहीं चाहिए भाई, तू नहीं चाहिए। ओके ये फट गया, जिससे मेरी कोई गलती नहीं है। तू आना बहन आना, एक बार ही आ तो सही। अरे यार इसने पूरा फाड़ दिया यहाँ पे, एंड मेरे पास कुछ ब्लॉक भी नहीं है यहाँ पे इसको मैं कवर कर सकूँ। ओके मेरे पास एक ब्लॉक है जिससे मैं कवर कर सकता हूँ।
एंड जस्ट इससे मैं अभी कवर कर देता हूँ भाई, मैं खुद गिरना नहीं चाहता जस्ट इसलिए, बाकी मुझे कोई शौक नहीं मेरे मॉस कोबल स्टोन वेस्ट करने का। ऑलराइट तो ये चीज़ हो गई है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ हमें काम का मिल सकता है। ओके यहाँ से तो ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ऊपर एक और ये भाई पीछे पड़ गया मेरे। ओ भाई दो दो थोड़ा सा भागना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर जा भाई, थोड़ा सा दूर जा मुझसे, थोड़ा सा दूर दूर दूर, तू भी दूर जा। हाँ ओके तो मुझे एक और ऊपर आई थिंक उसको यार विंडिकेटर तो इनका नाम होता है विंडिकेटर, उसका नाम मुझे एक्सैक्ट याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। आई थिंक सो भाई लिटरल मेरा ब्रेन वॉश हो चुका है, मुझे नहीं याद आ रहा कि इसका नाम क्या होता है। गार्ड चेस्ट मुझे और मिल सकती है कि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, मुझे याद रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो मैंने पूरा ही लूट लिया है, ये अनलिमिटेड आते रहेंगे यहाँ पे, तो आई थिंक मुझे ऊपर ही जाना चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे कहीं पे वो दिखा ज़रूर था, कहीं पे हो सकता है भाई। जंप स्केयर मत दो, थोड़ा सा और खाना खा लेते। आई थिंक सो मुझे एक ही नाइट विजन पोशन की ज़रूरत थी ऑलमोस्ट। ओके ये रहा, पहले तुझे मारूंगा फिर तेरी वेक्सेस को। बट और का है, और कौन है के एक और टोटम मिल चुका है भाई, टोटम के लिए जगह कर ले। ऑलराइट मैं बस तीन टोटम हो चुके अभी के लिए, विच इज़ नाइस। एंड आई थिंक सो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, ये क्या बना हुआ है? अरे एक बज गया था क्या? ओके बाहर पे कहा गया होता जिन्हें कहा गया। ओके वो आएगा तो दिखी जाएगी, अभी के लिए तो अपना काम हो चुका है। आ गया, आ जा। भाई थोन से मर गया भाई वो। ओके और इस वाले रूम में भी आई डोंट थिंक सो कुछ खास है। ओके ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर चेस्ट मिल सकती है, हमें पहली चेस्ट ऊपर ही मिली थी। एंड ओके यहाँ पे एक और चेस्ट तो है, नाइस। तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू निकल यहाँ से भाई, तेरी भी कोई ज़रूरत नहीं। तू भाई लिटरल में अभी ऊपर आया तो यहाँ पे तो कोई नहीं था, तू कैसा है? ओके मेरा नाइट विजन का पोर्शन भी डेड हो चुका है। एंड एक काम करते हैं, मैं फटाफट से एक और नाइट विजन का पोशन पी लेता हूँ, ये स्ट्रेंथ का है, ये रहा नाइट विजन। ओके भाई लिटरल नाइट विजन बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा, नहीं तो देखा ना आप कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। ओके गोल्डन एप्पल ले लेते हैं। ओ डायमंड की हो मिल रही है, फ्री का सामान है तो ले ही लेते ना, क्या ही फर्क पड़ता है। लीड की ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे, लीड भी ले लेता हूँ यहाँ से। एंड बाकी का तो कुछ काम का नहीं, गोल्ड वगैरह, तो अभी चलते हैं नीचे। आई थिंक सो दो से ज़्यादा चेस्ट बहुत कम। ओके तू आ जा ऊपर पहले, तू आ जा भाई, तू ऊपर आ जा, आना ऊपर। ऑलराइट तो आई थिंक सो ये वाला फ्लोर भी मैंने अच्छे से चेक कर लिया भाई। यार ये ज़ॉम्बीज आते रहेंगे और मुझे परेशान करते रहेंगे, इससे अच्छा मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। एंड ओके यहाँ पे एक और लाइब्रेरी है, आई होप सो कि यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल जाए जिसे कुछ अच्छा सामान दिखाओ भाई। यार ये क्या दिखा रहे हो यार, थोड़ा सा कुछ अच्छा सामान दिखाओ ताकि मुझे मज़ा भी आए। एंड आई डोंट थिंक सो कुछ अच्छा सामान मुझे अभी तक मिला है। ओके जनरली इस फेस के पीछे थोड़ा बहुत सामान मिलता रहता है, और मेरे पास अभी हो भी है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा कि मुझे अभी शवल की ज़रूरत नहीं है, शवल को वो कर लेता हूँ। डायवन की हो रहा है तो जिससे मैं थोड़ा सा पास इसको माइन कर सकूँगा। एंड ओके ये तो हमारा स्टेयरकेस वाला रास्ता है, एंड यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कुछ है। ऑलराइट ये वाला मैंने चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, तो आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ चेक कर लिया है तीनों फ्लोर। और मुझे कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ डायमंड ऐसा कुछ तो नहीं मिला। एंड भाई वो कौन सा रूम है? ओके वो वाला रूम मैंने देखा हुआ है। एक बार यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के चेक करते हैं कि भाई बाहर का क्या सीन है। यहाँ से निकल जाते बाहर, एंड इसके ऊपर तो आई डोंट थिंक सो कोई फ्लोर होगा। ओके यहाँ से ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं है, लेकिन एक बार बाहर बाहर से चेक कर लेते पूरा वुडलैंड में, जो कहीं पर सीक्रेट रूम्स होते हैं, तो मे बी मुझे वो नहीं मिला हो। जनरली मैंने जो देखा है कि हमें वुडलैंड मेंशन में ऑब्सीडियंस के बीच में कहीं पे डायमंड का कुछ ब्लॉक वगैरह यह मिलता है, बाकी मुझे पर्सनली कभी नहीं मिला, तो आई डोंट थिंक सो के। अरे भाई रुक जा ना, रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा, रुक जा तुम्हें।
तो आई डोंट थिंक कि मुझे मिलेगा। तो अभी फटाफट से मैं जा रहा हूँ नीचे फ्लिंट ढूंढने, और फ्लिंट में क्यों ढूंढ रहा होगा वो तो सबको ही पता है। तो फटाफट थोड़ी बहुत ग्रेवल ढूंढते, ग्रेवल से हमें मिल जाएगा फ्लिंट। ओके ये रही थोड़ी सी ग्रेवल, अपनी शवल का टाइम आ चुका है, शवल निकाल लेते हैं बाहर। एंड ओ भाई तो ज़्यादा तेज है यार शवल। ओके इतनी ग्रेवल आई थिंक जो इनफ होगी, इतने में मैं फ्लिंट निकाल लूँगा, कारपेट्स फेंक देते हैं, दो ग्रेवल में तो आराम से फ्लिंट निकलेगा। एंड आ जाते हैं एज पे, बस चारों तरफ से कोई आ ना रहा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने टोटम भी अभी ऑफेंड कर दिया है, ऑफेंड से हटा दिया है एक्चुअली। तो अरे यार मैं इसको हाँ इसे रख सकता हूँ ना। अरे यार ये दो दो ब्लॉक खोदेगा तो रात कर देगा। मुझे इसी जगह चाहिए, एक काम करते हैं ना भाई पर्सनल। नाइस भाई लिटरल मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं रुक जा भाई दो मिनट रुक जा, मेरी है ना पिकेक्स में फॉर्चून लगा है, तो मैं एक बार में खोदूंगा ना तभी मुझे मिल जाएगा। रुक जा ना भाई, क्यों क्यों इतनी चूल्हे तेरे में, मेरी पिकेक्स में लिटरल फॉर्चून लगा था, मुझे एक ही बार खोदना है, इसकी ज़रूरत नहीं तो फेंक देते यार इसको। एंड यहाँ पे रखते इसको, पिकेक्स से खोलते और मिल गया भाई फ्लिंट, लिटरल भाई मैं गधा हूँ भाई। ओके मुझे मिल गया फ्लिंट एंड स्टील। एंड चलो अभी करते हैं अपना काम चालू। ओह बारिश भी बंद हो गई भाई, क्या ही टाइमिंग है, जैसे ही मैंने बोला कि भैया हमें जलाना है बारिश ही बंद हो गई वहाँ पर, विच इज़ नाइस। अभी मुझे ग्रेवल की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी इकट्ठी हो रही है तो, लेकिन कोई इशू नहीं है उसका। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आई थिंक तो मैं टॉप फ्लोर से जलाता हूँ या फिर नीचे से जलाते हुए जाऊँ, हाँ देखते हैं। मैं चाहूँ तो अभी थोड़ी देर और रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत टोटम्स और मिल जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक तो मुझे टोटम की लिटरल ज़रूरत है, बिकॉज के भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड होती है मेरे वर्ल्ड पर, तो आई डोंट थिंक तो मुझे टोटम की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यही से आई थिंक सो इसको जलाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके आग लगना स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आग लगा देते हैं, एंड लिटरल मैं पूरा जलाने वाला उसको। ऑलराइट गाइस, तो ये है हमारा वुडलैंड मेंशन जो कि पूरा जल चुका है। वहाँ पे मुझे दो चेस्टें दिख रही है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये वाली चेस्टें चेक करी है, जो कि मैं कर लूँगा अभी, पूरा आराम से इसको जल जाने दो एंड आग वाग सब बुझ जाएगी, उसके बाद में एक बार पूरा चेक करने वाला हूँ। लिटरल मुझे अभी तक कहीं पे भी ऑब्सीडियन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, जहाँ पे मतलब कुछ डायमंड ब्लॉक वैसा कुछ मिल सके, जनरली होता है बट आई डोंट थिंक सो कि सभी वुडलैंड मेंशन में होता है, ये चीज़ का मुझे कन्फ्यूजन है। तो अभी फटाफट से इस आग को फैलने देते, थोड़ा सा ख़त्म होने देते और फिर देखते। ऑलराइट गाइस, तो हमारा वुडलैंड मेंशन आई थिंक सो पूरा जल चुका है, इतना उसको जलना था, एंड आई डोंट थिंक सो किससे ज़्यादा मुझे इसको जलाने की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो यहाँ से जंप मारते प्यारी सी, एंड देखो अभी कुछ चेस्ट मुझे दिख रही है, जैसे एक ये वाली चेस्ट हो गई एंड दो चेस्ट ये वाली, और ओवरऑल मैंने अभी तक तीन चेस्ट लूटी भी है, तो आई हो मतलब ये हो सकता है कि ये तीन चेस्ट वही तीन चेस्ट हो जो हमने लूटी है। तो एक वो ओके एक चेस्ट मुझे उस साइड भी दिख रही है, तो ऑलमोस्ट चार चेस्ट हो गई, तो इसमें से होप्स हो कि एक चेस्ट तो खाली मतलब जो ऐसी होगी जो हमने नहीं लूटी अभी तक। तो चलते काम करते सीधा नीचे एंड देखते कि कितनी चेस्ट हमने लूटी है कितनी नहीं। ओके ये वाली चेस्ट मैं लूट चुका हूँ, मुझे पता है ये वाली चेस्ट, एंड दो चेस्ट वो रही एंड एक चेस्ट ये रही। तो इन दो चेस्ट तक जाने के लिए मेरे पास ब्लॉक्स की तो कमी है भाई, ब्लॉक्स नहीं है, तो एक दो मिनट दो में फटाफट से यहाँ से थोड़े बहुत ब्लॉक्स इकट्ठे करता हूँ पहले। ओके आई थिंक सो इतने ब्लॉक में अपना काम हो जाएगा, तो अभी फटाफट से यहाँ से चलते ऊपर। ऑलराइट तो ये वाली चेस्ट भी मैं लूट कर चुका हूँ। ओके ये वाली चेस्ट मैंने नहीं लूटी, तो इसमें मुझे एक और नेम टैग मिल चुका है अभी, एंड बाकी कुछ खास काम का तो है नहीं, थोड़ा सा ब्रेड रख लेते हैं, फूल काम में आ जाएगा, एंड इसको यूज़ भी कर लेते हैं ताकि यार इन्वेंट्री थोड़ी सी खाली हो जाए। एंड अभी कुछ खास तो है नहीं, तो चलते वापस से नीचे एंड चलते अपने लास्ट चेस्ट को चेक करने। ओ भाई मुझे लिटरल लगा कि वहाँ पे ऑब्सीडियन है यार,
मैंने लिटरल एक एक कोना देख लिया, लेकिन ओके वहाँ पर भी एक चेस्ट है, उसको भी चेकआउट करते हैं पहले, क्योंकि वो ऊपर वाली चेस्ट आई थिंक से मैंने लूट ली है। ये वाली चेस्ट नहीं लूटी मैंने, मुझे लगा ही था ये वाली चेस्ट मैंने नहीं लूटी, लेकिन कुछ खास मिल नहीं रहा, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा ही बच गया ना आई थिंक से, ये वाला एरिया मतलब यहाँ पे आग ही नहीं लगी। एंड यहाँ पे देख लेते हैं खोद खाद के कहीं पे कुछ मिल जाए तो। ओके ये तो अपना वही जगह है जहाँ पे मेलन एंड पम्पकिंस है। ओके लास्ट चेस्ट मुझे वहाँ पे दिख रही है, आई होप कि उसमें कुछ अच्छा सा मिल जाए और वो लूटेड ना हो एटलीस्ट। ओके इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओके कहाँ गई वो चेस्ट, वो रही। वहाँ पे जाने के लिए मुझे फिर से थोड़े बहुत ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक्चुअली मैं यहाँ से वाटर से भी जा ही सकता हूँ, तो मैं यही से चला तो क्या ही फर्क पड़ता है। ऑलराइट यहाँ से चलते ऊपर, एंड ये रही हमारी चेस्ट। तो यहाँ से उतर गए नीचे, थोड़े बहुत ब्लॉक्स तो मेरे पास होंगे कुछ ना कुछ। ओके हेबल्स कुछ काम की नहीं, तो यही पर चढ़ने के काम आएगी। ओके एक और गोल्डन एप्पल, नाइस। थोड़ा बहुत आयरन, ओके ठीक है। ओवरऑल हमें 5 गोल्डन एप्पल मिल गए, 3 टोटल हमने, 3 उसका नाम मुझे अभी तक नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या है, उसको मार के निकाले। एंड ये चेस्ट मैंने लूट ली है, एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई भी चेस्ट बची। लिटरल ओवरऑल हमें 5 चेस्ट मिली, एक यहाँ पर जो थी, 2 दूसरी वो, तीसरी, चौथी और ये पाँचवीं। ओवरऑल 5 चेस्ट मिली जिसमें हमें 5 मतलब गोल्डन एप्पल तो मिल ही गए। एंड आई थिंक सो इससे ज़्यादा कुछ भाई, ये क्या बनाया इन्होंने, मुझे ये चीज़ देखना है कि ये बनाया क्या है भाई, ये किस टाइप की जेल है। हाँ वैसे हम यहाँ से अंदर तो नहीं जा सकते, वो चीज़ सही है, बट फिर भी कुछ अजीब सी जेल लग रही थी मुझे। बाहर बाहर गिरा दिया भाई, ठीक है। तो आई थिंक सो इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ से। मुझे उम्मीद थी कि मुझे एक वो पैच मिल जाएगा ऑब्सीडियन वाला, जो कि सेकंड या थर्ड फ्लोर पर ही होता है, लेकिन मैं लिटरल मैंने पूरा ही जला दिया इसको और अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं वैसा। तो मैं और टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी वापस इतनी दूर जाना भी वापस। तो आई थिंक सो मुझे वीडियो यहीं पे एंड करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया, वीडियो में मज़ा आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।